नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया राणो जी की छतरी पर उस समय घायल होते होते बच गए जब पत्थरों की एक रैलिंग भीड़ के दबाव के कारण टूट गई। सुरक्षा कर्मियों को सिंधिया की सुरक्षा करने में काफी मशक्कत करना पड़ी। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को पहली बार उज्जैन आए थे। भगवान महाकाल के शाही सवारी में धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करने के लिए जा रहे थे। जब वे सिंधिया ट्रस्ट की राणो जी की छतरी से नीचे उतर रहे थे, उसी समय भीड़ के दबाव के कारण पत्थरों की रैलिंग टूटकर बिखर गई। गनीमत रही कि रैलिंग के पत्थर सीढ़ियों से नीचे नहीं गिरे। अगर पत्थर नीचे गिरते तो सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया घायल हो सकते थे। उस दौरान उनके साथ उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट सहित कई वीआईपी शामिल थे। सिंधिया ने मौके की नजाकत को भांपते हुए खुद को बचा लिया। सिंधिया ट्रस्ट की राणो की छतरी काफी प्राचीन है और इसका जीर्णोद्धार उज्जैन नगर निगम द्वारा किया गया था। उसी समय पत्थरों की रेलिंग भी लगाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।